नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपीपीएससी 2012 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ये 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें और 200 नंबर का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एनडीआरआई करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, भैंस। तो आपको बता दें कि 6 जून 2009 को डॉक्टर रियाज अहमद शाह ने किया था, और फर्स्ट क्लोन बता दें 5 जुलाई 1996 में रॉसलिंग इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड में भेड़ का क्लोन बनाया गया था। वो एक डॉक्टर ईएन बिलमट थे और कीथ कैंपबेल थे, और इसकी भेड़ की मौत हो गई थी दोस्तों 14 फरवरी 2003 में। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कोबरा है दोस्तों जहरीला, वाइपर है, कोरल स्नेक है, डी ऑप्शन इसमें है अजगर, ये जहरीला सांप नहीं है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस बरस प्रारंभ किया गया था? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, 1973। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, पवन वेग। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ए ऑप्शन सही है, वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। वो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन है इसमें, विश्राम की स्थिति। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2002 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सी ऑप्शन है, प्लूटो। आपको बता दें ये सम्मेलन 2006 में प्याग में हुआ था और 9वें ग्रह को ग्रह की सूची से हटा दिया गया। इसमें बताया गया था कि यदि कोई पिंड उस सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करता है तो उसे ग्रह नहीं माना जाएगा, और जो हमारा यम है ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था इसलिए इसे हटा दिया गया। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और बता दें 12 जनवरी को राष्ट्र युवा दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को विश्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो डी ऑप्शन है इसमें, NHPC। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन है, जातक कथाएं। आपको बताएं कि अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये गुफाएं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। दूसरा, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यज्ञ भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो इसमें दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो बी ऑप्शन सही है, बौद्धों से। आपको बता दें विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक है इसका वो किया उपाली ने, इसमें नियम बौद्धों के भिक्षुओं से संबंधित नियम बनाए गए। सूत पिटक है, इसे आनंद ने वो किया लिखा, और इसमें शिक्षा उपदेश से संबंधित है। अभिधम्म पिटक है जो दर्शन से संबंधित है, इसे मोगली पुत्र तिस्त ने लिखा। अपन आते हैं 14वें क्वेश्चन की। कलहर द्वारा रचित राज तरंगनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन सही है, कश्मीर के इतिहास से। आपको बता दें लोहार वंश से संबंधित थी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो डी ऑप्शन सही है, भोलाभाई देसाई। ये 1945 में हुआ था, आजाद हिंद फौज की पैरवी की थी इन्होंने।
और 1946 में भोला भाई देसाई की मृत्यु हो गई थी। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो सी ऑप्शन सही है, बी आर अम्बेडकर ने। आपको बता दें 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोल मेल सम्मेलन हुआ था, और दूसरा हुआ था 5 मार्च 1931 में, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। चलिए अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो सी ऑप्शन सही है, विनायक दामोदर सावरकर ने। आपको यहाँ बता दें 1905 में मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी इन्होंने। 1906 में अभिनव भारत के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया था। चलिए 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी ऑप्शन सही है इसमें। आपको बता दें 1977 में विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में। चलिए अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस के शासनकाल से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। इनका अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन, और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आपको बता दें यहाँ कि ये सिंधु नदी के तट पर 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें कृष्णा नदी पर स्थित है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड सिक्किम हिमालय प्रदेश का है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सी ऑप्शन है इसमें, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या था? तो बी ऑप्शन था इसमें, 940। और आपको यहाँ बता दें कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 943 था लिंगानुपात। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में। 1935 में इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, और 1957 में इसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो डी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हाँ, यहाँ बता दें सबसे ऊंची चोटी मैकले एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इसमें अलास्का में स्थित है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है स्थित है? तो सी ऑप्शन सही है, दक्षिण अमेरिका में है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तुम मेक्सिको, बी ऑप्शन है इसमें, कीनिया इंडोनेशिया ब्राजील से गुजरती है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस है। अब देखते हैं 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? तो बी ऑप्शन सही है, मेघालय की नहीं मिलती है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल की मिलती है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन है? तो इसमें सी ऑप्शन है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक पैक्स मताधिकार के आधार पर किया गया है, ये गलत है। बाकी तीनों ए बी डी सही है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई एंग्लो इंडियन पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। और डी है जो इसमें चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 26वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित कर दिए गए थे। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो सी ऑप्शन है, राजनीतिक व्यवस्था। 32वां देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गम
करता है, तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। आपको यहाँ बता दें कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ, और इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल वो गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और भारत के प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख, और अभी जो करंट में 2018 में है वो जीत पटेल। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किससे द्वारा गठित की गई थी, तो संसदीय मामलों का मंत्रालय, सी ऑप्शन इसमें सही है। 35वां देखते हैं, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही, तो बी ऑप्शन है 2012 से 17। 36वां देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो सी ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 37वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो बी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन। आपको यहाँ बता दें हरित क्रांति से संबंधित थे एम एस स्वामीनाथन। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन सही है। 39वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो ए थे, ए ऑप्शन सही है, जी वी मावलकर। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हो गई थी। फिर इसके बाद एम अनंत सैनम एंगर थे लोकसभा के अध्यक्ष। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तो डी ऑप्शन है टिस्को, बाकी जो तीनों हैं। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो भोपाल है। आपको बता दें रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, एस बाग भोपाल में, नेहरू स्टेडियम इंदौर में, तत्या टोपे भोपाल में, अभय खेल स्टेडियम इंदौर में, ऊषा राजे इंदौर में, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में। 42वां देखते हैं, सुबत्तो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है फुटबॉल। 43वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते थे, तो ए है माइकल फिलिप्स, यूएसए के थे, ये 2012 में हुआ था ओलंपिक लंदन में। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, मैरी कॉम को मिला है दो, ए ऑप्शन 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक, ये भी मिला है, अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला है, और पद्मश्री इन्हें 2006 में मिला है, उपरोक्त में से सभी सही हैं दोस्तों। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये सी ऑप्शन है तुकोजी राव पवार। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने खिलाड़ी एक टीम में से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है 9, 7, 6, 5। अब देखते हैं 47वां क्वेश्चन, खेल शिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें चारों ये गलत है और विश्वामित्र पुरस्कार सही है। आपको बता दें 48वां क्वेश्चन, 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में के गोल रक्षक का क्या नाम था, तो आपको यहाँ संकल लक्ष्मण थे, डी ऑप्शन सही है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है, तो ए ऑप्शन है सुनील गावस्कर। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियर्ड स्पर्धा किसने जीती थी, पंकज आडवाणी ने, और ये हुई थी मध्य इंग्लैंड में। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालीदेश सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, तो सी ऑप्शन है अनुपम खेर। ये 1980 से शुरू हुआ था कालीदेश सम्मान, और ये
संगीत शास्त्रीय नृत्य रंगमंच प्लास्टिक कला में दिया जाता है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, तो मालवा में होता है। वैसे मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, तो भिंड सतना शिवपुरी की करती है, श्योपुर की नहीं करती है। इसकी श्योपुर की सीमा राजस्थान को वो करती है, छूती है। तो 54वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो हरदा है और सबसे बड़ा इंदौर है। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल थे। और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक था। 56वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है, तो 2 है। बी ऑप्शन सही है, इसमें उज्जैन ओंकारेश्वर है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो रानी रोममती से। मांडू धार जिले में है। आपको बता दें कि रानी रोममती और बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम का साक्षी है ये मांडू। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो गौड़ जाति सबसे बड़ी है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन है, भील दूसरे नंबर पर है एमपी में। चलिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है, तो जी सी ऑप्शन है इसमें, धार में। अब 60वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बी ऑप्शन है इसमें, खजुराहो में। चलिए अब देखते हैं 61वां, पिछले दिनों किस देश की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को 6 मई का विस्तार दिया था, तो बी ऑप्शन है नेपाल। 62वां देखते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 33,000 सैनिकों को किस वर्ष के अंत तक बुलाने की घोषणा की है, तो इसमें सी ऑप्शन है 2014 तक किया था। 63वां देखते हैं, नवंबर 2011 में पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त सैनिक अभ्यास निम्न में से किस नदी के किनारे किया था, तो ए ऑप्शन सही है, सिंधु। 64वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देशों ने सीरिया पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था, तो चीन रूस ने किया था, ए बी ऑप्शन सही है। 65वां देखते हैं, ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला है, तो डी ऑप्शन सही है, म्यांमार की है आंग सान सू की। 66वां देखते हैं, सर की विवाद किस दो देशों के मध्य, तो ये है भारत पाकिस्तान, और ये बता दें अरब सागर में एक विवादित क्षेत्र है। अब 67वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल में टाइम द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 36 प्रदर्शनकारियों की सूची में अन्ना हजारे को कौन सा स्थान मिला है, तो ए ऑप्शन है पहला। 68वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे होता है, तो सी ऑप्शन है 25 जनवरी को, इसे 2011 से चालू किया गया। 69वां देखते हैं, एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ किया गया था, दोहा में, तो डी ऑप्शन सही है। 70वां देखते हैं, मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है, तो ब्रिटेन में। ये मलाला पाकिस्तान की स्कूली छात्रा थी, आतंकवादियों की गोली से घायल हुई थी। चलिए 71वां क्वेश्चन देखते हैं, रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के किस जिले में उच्च क्षमता वाला डीजल इंजनों के लिए टैक्सन अल्टरनेट कारखाना लगाने का प्रस्ताव है, तो सी ऑप्शन है इसमें, विदिशा। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसमें डी ऑप्शन है, रायसेन। चलिए ऑप्टिकल फाइबर है यहाँ कारखाना जो जापान के सहयोग से लगाया गया था। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है, तो भोपाल में है।
अब देखते हैं 74वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती थी, डी ऑप्शन सही है। इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 23/8/2004 तक रहा था। चलिए अब 75वां क्वेश्चन देखते हैं, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? तो ए ऑप्शन सही है, इंदिरा सागर। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ए ऑप्शन सही है, ईश्वरदास रोहाणी। यहाँ बताएं कि वो कि 2014 में डॉक्टर सीता शरण शर्मा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बने थे। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, 1/11/2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था दोस्तों। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मैथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? सुहागपुर में, ए ऑप्शन सही है। 79 दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है, भोपाल। चलिए 80वां क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप कहाँ निर्माण किया किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बौद्ध स्मारक है, विश्व विरासत सूची में 1989 में जोड़ा गया था इसे। 81वां देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो ए ऑप्शन सही है, HTTP। 82वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक वैलिड वेब डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो कॉम गवर्नमेंट नेट, डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, URL का विस्तृत रूप है? तो सी ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए ऑप्शन सही है। 85वां देखते हैं, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो उपयुक्त सभी हैं, याहू, रेडिप मेल, हॉटमेल, ये तीनों ऑप्शन सही है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं, HTML का विस्तृत रूप है बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 87वां देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है ए, ऑप्शन सही है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ए ऑप्शन सही है। 88वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर हैकर है बी, ऑप्शन सही है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, बी ऑप्शन सही है। 89वां देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ए ऑप्शन सही है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, ए ऑप्शन सही है। 90वां देखते हैं, साइबर क्राइम कार है, उपयुक्त सभी, हैकिंग स्ट्राइकिंग सर्विस आघात की मनाही। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में निम्न में से किस भारतीय संगीत को लाइफ टाइम अचीवमेंट गैमी पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? तो डी ऑप्शन सही है, पंडित रविशंकर। 92वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? तो बी ऑप्शन है, ग्वालियर में है। 93वां क्वेश्चन देखते हैं, RCBP नोरोना प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में है, डी ऑप्शन सही है इसमें। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1950 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं? तो बी ऑप्शन सही है, संज्ञेय तथा असमनीय। यहाँ बता दें, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 8 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली, 1 जून 1955 से लागू हुआ है। इसमें 17 धाराएं संपूर्ण भारत में लागू है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अब 95वां क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा? तो अभियुक्त, बी ऑप्शन है इसमें, अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में। 96वां क्वेश्चन देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? तो ए ऑप्शन है, संपूर्ण भारत में। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ? तो बी ऑप्शन है, 30 जनवरी 1989 को। ये ST/ST एक्ट 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ था, 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। इसमें 5 अध्याय 23 धाराएं, ये पूरे भारत में लागू है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर।
98वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। तो सी ऑप्शन है सही है, संरक्षा विभेद का सिद्धांत। 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। तो बी ऑप्शन इसमें पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, और ए सी डी ये शक्तियाँ दी गई हैं। चलिए 100वां लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेंसन को न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो ए ऑप्शन सही है, शीघ्र विचारण। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा 2012 का MPPSC का पेपर सॉल्व हो गया। अगले लेक्चर में हम 2013 की पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।